सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संविधान निर्माण और फिल्म पोस्टर से संबंधित ई फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। अंबाला में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो हरियाणा की 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा ऐसे आयोजनों से खेलों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए चलाया विशेष मेगा ड्राइव। आर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 61 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी अब तक 1,52,00,000 से अधिक कोरोना रोधी खुराक दी गई। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में आइकॉनिक वीक मना रहा है। इसी कड़ी में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में संविधान निर्माण विषय पर एक वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में चित्रांजलि @75 वर्चुअल फिल्म प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ई फोटो प्रदर्शन के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को आसानी से समझ सकेंगे। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को ना केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या हैं, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये प्रमुख विषय है कि 2047 में जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे तब भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरे, ये हमारा लक्ष्य होगा। 2047 में दुनिया के सामने, जनता के सामने किधर ठहरना है, किधर पहुंचना है, व्हाट इज योर मंजिल? दुनिया में अपना भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना, ये हमारा लक्ष्य होगा। ये 25 साल सभी नौजवान से, मैं भारत सरकार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये भारत ये 25 साल में किधर जाना चाहिए, किधर पहुँचना चाहिए, क्या लक्ष्य है, इसी विषय पर सभी नौजवान सोचना चाहिए। और रास्ते पे देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, जो लक्ष्य है, उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर सिद्धांत से उठकर, राजनीति से उठकर, प्रांत से उठकर, भाषा से उठकर, सब मिलजुल कर आगे काम करना चाहिए। आज से प्रदेश में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा खेलो हरियाणा की 3 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। खेलो हरियाणा के अंतर्गत अलग अलग जिलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। अंबाला में खेल मंत्री संदीप सिंह ने खेलो हरियाणा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और खेलों को बढ़ावा भी मिलता है। उन्होंने कहा कि खेलो हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया की टीम के लिए किया जाएगा। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य है। और जब तक टूर्नामेंट नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होंगे, तो खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे टूर्नामेंट्स होंगे तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा और हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और खेल जो है और ज़्यादा फैलेगा, जिसमें और खिलाड़ी इसमें इंटरेस्ट लेकर अपना कामयाब भी होंगे, अपना माता पिता का, अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे। जिला खेल अधिकारी के सत्या ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 4 खेलों का आयोजन होगा और ये प्रतियोगिता 29 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में जिले के लगभग 1,342 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
चार गेमें हो रही हैं, जूडो, बैडमिंटन, जिमनास्टिक एंड खो खो। तो ये चार 22 जिलों से आए हुए हैं बच्चे और 1342 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से उनका हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वे इस प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन करके खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित होना चाहते हैं। इस तरह की गेम से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ता है, उन्हें और नए नए कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है हरियाणा सरकार के जो पहल की उन्होंने, ये खिलाड़ियों में एक बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती है और उन्हें मतलब आगे जाने का मौका मिलता है। इससे हमें काफ़ी लाभ है, जैसे हमारी स्किल्स बढ़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ होता है और हम अलग अलग जैसे इंटरनेशनल जा सकते हैं, नेशनल जा सकते हैं और हम ज़्यादा जैसे खिलाड़ियों को और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हम आगे और ज़्यादा कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें, लेवल से अच्छे लेवल पे जाने का मौका मिलता है, उन्हें अपनी पोजीशन में सर्टिफिकेट मिलता है जिससे उन्हें आगे अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो। खेलों की भावना से ये होता है कि अब ये खेलो हरियाणा गेम चल रहे हैं, इसमें हम सभी ने पार्टिसिपेट किया है। 22 जिलों से यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। सर इसमें क्या होता है सर, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है। सर इससे क्या होगा सर, अब आने वाले समय में हमको देखकर आने वाले बच्चे भी ये सोचेंगे सर कि। करनाल जिले में भी खेलो हरियाणा की 3 प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसके तहत करनाल में बॉक्सिंग, फुटबॉल और टेबल टेनिस के मैच आयोजित होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलो हरियाणा प्रतियोगिता खेलों की नर्सरी है जहाँ से ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ी तैयार होते हैं। उन्होंने 2022 में पंचकुला में होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश के सबसे ज्यादा पदक आने की उम्मीद जताई। हमारे टैली में अभी हम बहुत ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। दुनिया के कुछ मुल्क अभी टैली में ऊपर हैं, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में दम है, वो करके दिखाएंगे और हम उस बदलते हुए नज़ारे को देखेंगे कि जब टैली में हम ऊपर होंगे। और उसकी नर्सरी यही है जिसके बीच में मैं आया हूँ। खिलाड़ी हमारी प्रेरणा है, वो अपना बेस्ट देते हैं। उपायुक्त निशांत यादव ने इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में पहुंचे खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों ने कहा कि आने वाले समय में वे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जो 1340 खिलाड़ी यहां पे इस प्रतियोगिता की 3 प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए हैं, खेल भावना का परिचय देते हुए अपने हुनर का, अपने स्किल का परिचय तो देंगे ही देंगे, साथ में जो खेलो इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस प्रकार से स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल भावना हम डेवलप करें। हम यही उम्मीद करके आए कि हम सभी मैडल जीत के जाएं, सभी अच्छे अपने परफॉर्मेंस दें और अच्छा जी। अभी तक का तो यही है कि जो मेरा फोकस है वो इंटरनेशनल तक का कि मैं इंटरनेशनल बॉक्सर बनूं और आगे तक अपने माँ बाप का, अपने देश का और मेरे कोच साहब का नाम। हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट आई हुई है सारे गेमों की। यहाँ पे 3 गेम हो रहे हैं करनाल में, फुटबॉल, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस। हम बॉक्सिंग गेम के हैं, हम यहाँ से कुछ ना कुछ मेडल लेके ही जाना चाहते हैं हमारा। प्रदेश सरकार कोरोना की आंशिक तीसरी लहर को देखते हुए कोविड टीकाकरण की गति लगातार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज प्रदेश भर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया गया। अब तक प्रदेश में कुल लगभग 1,52,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भिवानी जिले के मीडिया सेंटर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत और डॉक्टर नवीन अंचल ने बताया कि मेगा वैक्सीनेशन कैंप के तहत भिवानी जिले में लगभग 40,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने आम जनता को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी। हम सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन जो है कोविड वैक्सीन उस पर दिया जा रहा है। टारगेट हमें स्टेट से जो मिले हैं वो 40,000 डोजेज लगाने के टारगेट्स मिले हैं, जिसमें ये हमें निर्देश दिए गए हैं कि 60% डोजेज सेकेंड डोज लगाई जाएं और बाकी की शेष 40% डोजेज जो हैं उनको हम फर्स्ट डोज की तरह लगा सकते हैं।
तो मेरी सारे भिवानी से यही अपील है कि जिन जिन की भी सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी हैं वो 27 तारीख को अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। इसी विषय में आज हमने मीडिया सिटी सेंटर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया है और आज हमें उम्मीद है कम से कम 200 से 250 वैक्सीन हम लगा पाएंगे। हम आम जनता से यही अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराए ताकि तीसरी लहर को हम रोकने में कामयाब हो और सभी सुरक्षित रहे। कोविड टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने आमजन से बिना किसी भय से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। जितने भी हैं लोग उनको लगवाएं ताकि अपना स्वास्थ्य सही रहेगा उनको सबका। मैंने दूसरी डोज लगवाई है सर आज और मुझे अच्छा फील हो रहा है। और वैक्सीन लगवाई है मैंने दूसरी डोज, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है ये और सभी भाई बहनों को लगवानी चाहिए। मेगा टीकाकरण चल रहा है, इसमें मैंने भी दूसरा टीका लगवाया है तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए। को जी मान ले आने वाली जो महामारी है इससे भी बचाव होगा और मान ले आने वाला भी हर आदमी का लगाएगा तो पूरे एक दूसरे से दूसरे में नहीं बढ़ेगा, रुकेगा, इसकी रोकथाम होगी। भारत ने 61 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कल लगभग 68 लाख टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश में 50% पात्र आबादी को कोविड रोधी टीका लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को कोरोना से सुरक्षा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए तेज गति से कार्य जारी है। देश की 50% वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज देकर भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि वो हर बाधा हर बंदिश को तोड़ना जानता है। भारत झूठ और अफवाहों से बुने जा रहे शब्दों के तंत्र को आईना दिखाना भी जानता है। भारत जानता है निराशा में आशा के रंग को भरना, क्योंकि देश को मिला है एक कुशल नेतृत्व। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक योद्धा की तरह जी जान से जुटे दिखे, एक सेनापति की तरह देश में किए जा रहे प्रयासों की अगुवाई की। देश में वैक्सीन बनाने के लिए न सिर्फ वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया बल्कि हर जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। लोगों तक वैक्सीन जल्द पहुंचे इसके लिए खुद उत्पादन केंद्रों तक पहुंचे। वैक्सीन बनी तो पूरी जांच परख कर जल्द मंजूरी दी। भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को डिजिटल माध्यम से जोड़कर उसे तेजी दी। जब स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठे तो खुद सबके सामने वैक्सीन लगाकर लोगों में भरा विश्वास का भाव। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना से अब तक 3,18,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 3,44,000 से अधिक है। देश में कोरोना रिकवरी दर 97.60% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1,52,56,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश का रिकवरी दर 98.66% हो गया है। सिरसा जिले के नागरिक अस्पताल में भी कोविड की रोकथाम के लिए मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि जिले को लगभग 30,000 कोविड खुराक मिली है। सिविल सर्जन ने लोगों से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक लगभग 6.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। से फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 1/3 और 2/3 का हमारा प्रोपोर्शन है, ये हमने टारगेट रखा है। हमारे पास अभी 90,000 से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाई, तो हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ है क्योंकि वैक्सीनेशन जब दोनों डोजेज लग जाएंगी वो व्यक्ति पूरा पूर्ण तौर से इस कोविड की बीमारी से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। नहीं, ये मेगा ड्राइव सारे हरियाणा में है और हमारे ज़िले में हमें 30,000 डोजेज मिली थी और ये हमारे जो टारगेट है हम इसको अचीव कर लेंगे। हमारे पास टोटल 6.5 लाख डोजेज लग चुकी हैं जिसमें से लगभग 1.5 लाख सेकेंड डोजेज हैं और रेस्ट ऑफ दी जो डोजेज हैं फर्स्ट डोज। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए ताकि हम खुद को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से सुरक्षित रख सकें। आज मैं टीका लगवा के बहुत खुश हो रहा, शरीर भी तंदुरुस्त लग रहा मैनू। मैं कहना हर कोई लगवावे टीके, दूर ना भजे, जब डरते लोग भी टीके नाल ही होंदा वो ना डरो जी, बहुत अच्छी चीज़ है, लगवाओ। कोरोना का बचाव तो करना चाहिए जी, हर किसी को चाहिए।
हमने वैक्सीन लगवाई है आज, तो हम सबसे अपील करते हैं कि आप सब भी वैक्सीन लगवाएं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, तो सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी सेकंड डोज है, फर्स्ट डोज के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं आज पहली वैक्सीन डोज लगवाई है और बहुत बढ़िया वैक्सीन डोज हैगी है, ऐसी कोई घबराहट की गल नहीं हैगी, सारे लगवानी चाहिए वैक्सीन। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संविधान निर्माण और फिल्म पोस्टर से संबंधित ई फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। अंबाला में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो हरियाणा की 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा ऐसे आयोजनों से खेलों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए चलाया विशेष मेगा ड्राइव। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 61 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए, प्रदेश में भी अब तक 1,52,00,000 से अधिक कोरोना रोधी खुराक दी गई। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें, और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।